मदावत खताब देता हो मुमताज सहाबी हजरत अलामा मोहम्मद अकबर साहब नक्शबंदी साहब से वह तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जमा साल जमा बख्त हजरत अलामा हाफिज मोहम्मद रफी कादरी रजवी साहब इंतहाई जामे गुफ्तगु कर चुके ने। मैं मुबारकबाद पेश करना मोहतरम मुकाम हरदिल अजीज मुतहर्रक किरदार और अमले इकदामात जिन्हां दे बायसे तकलीद ने हजरत अल्लामा मुहम्मद हनीफ चिश्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह एक तालिब इल्मी दे दौर तो लैके इन्हां नूं जुनून सी कि अहले सुन्नत व जमात दे अकायदो नजरियात दा तहफ्फुज़ भी होवे ते अहले सुन्नत मुतहिद हो के चलन। अल्हम्दुलिल्लाह हुण तक अपने मिशन ते दिन रात कोशिश कर रहे ने। इकट्ठा करना यह भी उस चीज की एक कड़ी है। अज का अजीम शान प्रोग्राम मुजाहिद तहरीके खत्मे नबुव्वत बुजुर्ग आलमे दीन हजरत मौलाना अल्लामा मुहम्मद खालिद हसन मुजद्दी साहब आप दी जेरे सदारत इनेकाद पजीर है। सारे दे सारे उलमाए किराम साढ़े वास्ते सारे मेहमान खसूसी ने गनीमत जान रल मिल बैठने को जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। ए गनीमत घड़िया जेड़े इकट्ठे रल मिल के बहने हाँ और एक दूसरे का दुख सुख जमाती हालातों वाकयात मालूमात च इजाफा होंदा है और बतौर खास माहे अगस्त के अंदर जश्न आजादी है। असी जश्न आजादी मनाने के हक चाहे नाल नाल मिशन आजादी उनका भी तहफ्फुज़ होना चाहिए। ऐ नहीं कि पाकिस्तान हासिल कर लिया। साढ़े बुजुर्ग कहते ने जिस मकसद के वास्ते हासिल किया है उस मकसद की तकमील के वास्ते जदोजहद जारी रहेगी। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाम हमने इस चमन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।